मणिपुर को हिंसा की आग में जलते हुए 3 महीने हो चुके हैं और इस आग की लपटें शांत होने की बजाय हर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने तो यहां की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, घायल हो रही हैं और महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है वो तो आप सबने देख ही ली है। इन सबसे प्रधानमंत्री मोदी का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर जाता है, लेकिन कोई एक्शन मोदी सरकार ने अभी तक नहीं लिया है और सिर्फ आश्वासन देने से उपद्रवियों का बाल भी बांका नहीं होता। हालात सुधरने के बजाय हर दिन बदतर होते ही जा रही हैं। राज्य के बिष्णुपुर जिले में बीते कल फिर जबरदस्त हिंसा हुई, 17 लोग घायल हो गए। बेकाबू भीड़ ने सुरक्षा बलों पर भी हमला किया और उनके हथियार लूट लिए। मणिपुर में उपद्रवी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वहां सुरक्षा कर्मी भी सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए आम जनता किस हालात में वहां जी रही होगी। आइए आपको बताते हैं कि बीते कल हुई हिंसा के पीछे मेन वजह क्या थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की वजह वो योजना बनी जिसके तहत जातीय हिंसा में मारे गए 35 कुकी जोमी लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने की बात कही गई थी। मृतक चुरा चांदपुर जिले में बिष्णुपुर की सीमा से सटे हुए हाओलाई खोपी गांव के थे। 3 अगस्त को मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश पर इस योजना को स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान हजारों स्थानीय लोग सुरक्षा बलों की आवाजाही को रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट के मुताबिक असम राइफल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पहले मिर्च के स्प्रे कर भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ शांत नहीं हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा कि देश में इससे गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है और इस पर प्रधानमंत्री कैसे चुप रह सकते हैं। 2002 में गुजरात दंगों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान दिया था। ऐसे कई और उदाहरण भी हैं। हम एक उचित मांग कर रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार जवाब तो तब देगी ना जब उसके पास कोई जवाब होगा। विपक्ष की हर छोटी बड़ी बात पर तिलमिलाने वाले स्मृति ईरानी को तो मणिपुर हिंसा पर सांप सूंघ गया है। बीजेपी सरकार ने तो मणिपुर को झुलसने के लिए छोड़ दिया है। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।